नमस्कार, घमासान.com पर आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। ग्वालियर की महारानी प्रियदर्शनी राजे का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। इसमें महारानी शिवपुरी में बच्चों के साथ टेबल टेनिस खेलती नजर आ रही है। इसके साथ ही महारानी आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए भी सक्रिय देखी जा सकती है। कहा जा रहा है वे यहां से लोकसभा चुनाव भी लड़ सकती है। आइए जानते हैं क्या है पूरी खबर। कहते हैं कि राजनीति में जो ना करो वह कम है, बिल्कुल यह सही है, क्योंकि कांग्रेस के दिग्गज नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया यानी महाराज की पत्नी ग्वालियर की महारानी प्रियदर्शिनी राजे सिंधिया चुनाव के खातिर अब अपने इलाके में बच्चों के साथ टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलती हुई देखी जा सकती है। एक समय था जब ग्वालियर के महल में जाने के लिए लोग तरसते थे, महारानी का चेहरा देखने को आतुर था। लाइन लगाकर सैकड़ों लोग पैर पड़ते थे, महारानी को माँ का दर्जा दिया जाता था। समय बदलता गया, लोग समझदार होते गए, नेता भी समय के साथ बदलने लगे। अब प्रियदर्शिनी राजे कुना और शिवपुरी संसदीय क्षेत्र में लगातार महिलाओं और युवाओं से मिल रही है, क्योंकि उनके पति यानी महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया उत्तर प्रदेश की चुनावी राजनीति में व्यस्त हैं। वह सिर्फ गुना संसदीय क्षेत्र में चुनाव के वक्त 2-3 दिन ही रह पाएंगे, इसलिए उन्होंने महारानी को मैदान में उतार दिया है। कहा तो यह जा रहा है कि वह भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस बात से खुद महारानी ने मना कर दिया। महारानी को अपने घर पर देखकर इलाके के लोग गदगद हैं, उनको देखने के लिए आतुर भीड़ देखते ही बनती है। यह बात भी सही है कि प्रियदर्शिनी महारानी की तरह नहीं बल्कि एक आम महिला की तरह महिलाओं से बात कर रही है, गले मिल रही है और बच्चों को दुलार कर रही है। टेबल टेनिस और बैडमिंटन हाल में जब वो पहुंची तो अपने आप को रोक नहीं पाई। साड़ी पहनने के बावजूद उन्होंने कुछ देर बच्चों और युवाओं के साथ समय बिताया। सक्रियता के साथ ही पहली बार प्रियदर्शिनी अब खुलकर जनता के बीच आ गई है। लगता है कि वह भविष्य में चुनावी राजनीति करेंगी। Subscribe our channel and press the bell icon for more updates.